मंडी में जाऊं बकरा लाऊंगा, उसे ज़िबहा कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद स्टेटस वीडियो एडिट करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर शेक एपेट और बिटमार्क प्रोजेक्ट है, वो दोनों भी आपके अलर्ट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। और इमेज जो डाउन करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से इमेज और वहाँ पर MP3 म्यूजिक है, MP3 म्यूजिक भी आप डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट पर ओपन कर लेना है। ओपन करे बाद में फर्स्ट में आना है, फर्स्ट में आकर यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर अभी MP3 म्यूजिक ऐड कर लेना है। यहाँ पर ये वीडियो में MP3 म्यूजिक है, तो ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो को यहाँ पर 3 डॉट पे टाइप कर लेना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके इस पे टाइप कर लेना है। और जो MP3 म्यूजिक है, एक बाद में इस वीडियो कैसे डिलीट कर लेता हूँ। अब जो है इमेज ऐड करना है, तो इमेज ऐड करने के लिए फर्स्ट में आना है, यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है। तो ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और 3 डॉट पर जाकर इसे फुल कॉम्प्रेसर एरिया पे टाइप कर लेना है। और इस इमेज को नीचे की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके पकड़ना है और इसके बाद में इसको इस तरह से नीचे की ओर लेके जाना है। तो सबसे लास्ट रखना है और इस इमेज को जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक ऐड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर डैश पे टाइप करना है, डबल ए पे जाकर जो उसका फॉन्ट जो है, ये फॉन्ट जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये फॉन्ट आप ऐड कर लेना है। और जो है यहाँ पर ईद करके है, जो इसका फॉन्ट जो है रेलवे ब्लैक करके फॉन्ट है, ये फॉन्ट जो है ये भी आप इंपोर्ट कर लेना है आपके अलर्ट क्वेश्चन में। अगर आपको फॉन्ट ऐड करने नहीं आता है तो मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो में आप देखकर फॉन्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद में बैक जाना है, यहाँ पर शेक एपेट बनाए, यहाँ पर टेस्ट पे टाइप करना है, एफेट पे जाना है, 3 डॉट पे जाकर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करे उसमें इसे बैक करना है, यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट पे टैप करना है, यहाँ पर ईद उल अदा कमिंग जॉन करके इस पे टैप करना है, एफर्ट पे जाकर 3 डॉट पे जाकर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर ई PNG पे ईद मुबारक PNG है, इस पे उतना ही पेस्ट कर लेना है। तो उसके बाद में बैक करना है, शेक एपेट पे टैप करना है, यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट है इस पर टाइप करना है, एफर्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी के बाद बैक करना है, यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, जो टेस्ट पे टाइप करना है एफर्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाकर पेस्ट कर लेना है। और टेस्ट पे टाइप करके एफर्ट पे जाकर 3 डॉट पे जाकर पेस्ट कर लेना है। तो ये सारे टेस्ट में मैं पेस्ट लेता हूँ। इमोजी को छोड़ के सारे टेस्ट में पेस्ट कर लेना है।
तो सारे टेस्ट में पेश करे बाद में बैग जाना है, यहाँ पर जो सेक के पट पे आना है और इस इमोजी पे अपना है एफर्ट पर जाना है, थ्री रोड पे जाना है, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके बैक करना है और यहाँ पर बिटमा प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये इमोजी पे टैप करना है, एफर्ट पे जाना है, थ्री रोड पे जाना है, पेस्ट करना है और इस इमोजी का जो डबल ए पे टाइप करके इसका फ़ॉन्ट जो है ISS जो आईफोन इमोजी है वो ऐड कर लेना है। और ये जो इमोजी है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप ये इमोजी ऐड कर लेना है। तो उसके बाद में फर्स्ट में आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया पे टाइप करना है, तो ये पार्टिकल सेलेक्ट कर लेना है, प्लस करना है और इस पार्टिकल को यहाँ पर मूव ऑन ट्रांसफर पे आना है, यहाँ पर दो नंबर पे आना है, इसको रोटेट कर लेना है 90 डिग्री। रोटेट करके बाद में इस पार्टिकल को यहाँ पर थ्री डॉट पे टाइप करके यहाँ पर फुल कंप्रेसर एरिया पे टाइप कर लेना है और जो है यहाँ पर बेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है। यहाँ पर लाइटिंग में जाकर यहाँ पर तीन नंबर पे कलर लाइट करके इस पर टाइप कर लेना है तीन नंबर पे। और इसके बाद में जहाँ तक म्यूजिक है यहाँ से एक्स्ट्रा जो पार्टिकल जो है यहाँ से काट देना है। तो इसके बाद में जो भी आपका नाम जो भी है ऐड करके यहाँ पर शेयर पे टाइप करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।